डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा में। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स का तीसरा टॉपिक, दैट इज़ अपरिमेय संख्याएं इर्रेशनल नंबर्स, जिसके अंतर्गत हमारी एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसा कि टॉपिक का नाम है, अभी बताया मैंने आपको, अपरिमेय संख्याएँ या इर्रेशनल नंबर्स। हमने इर्रेशनल नंबर्स या अपरिमेय संख्याओं के बारे में नाइन्थ क्लास में पढ़ा था। हमने वहाँ पढ़ा था कि कुछ नंबर्स जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 ये इर्रेशनल होते हैं, अपरिमेय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम जो हैं इनको पी बटा क्यू रूप में नहीं लिख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे या सीखेंगे कि अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 ये अपरिमेय क्यों होते हैं और इन्हें अपरिमेय कैसे सिद्ध किया जाता है। इनको अपरिमेय सिद्ध करने से पहले हम एक छोटी सी प्रमेय है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस प्रमेय को सिद्ध करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ जानकारी प्राप्त करनी है, क्योंकि इसका उपयोग हम आगे आने वाले प्रश्नों में करेंगे। प्रमेय या थ्योरम क्या है? मान लो पी एक अभाज्य संख्या है। यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी जो है ए को भी विभाजित करेगा, जहां ए एक धनात्मक पूर्णांक है। इट मींस लेट पी बी अ प्राइम नंबर, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी विल आल्सो डिवाइड ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर पी कोई प्राइम नंबर है उसको उस और जो पी जो है वो किसी ए स्क्वायर किसी संख्या के वर्ग स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो संख्या यानी ए को भी डिवाइड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद टू प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। तो हम शुरुआत करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इर्रेशनल। सो कम टू द पॉइंट, इन प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए हम लोग एक कॉन्ट्रेडिक्टरी मेथड से का इस्तेमाल करेंगे, विरोधापूर्ण तथ्य को मानकर, यानी जो हमें दिया गया है बिल्कुल उसका उलट मानकर इस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फॉर जैसे कि इस प्रश्न को हल करना है हमने, हम क्या करेंगे, हम यह मान लेंगे, लेट अस अज्यूम दैट अंडर रूट 2 इज रैशनल। मान लेते हैं कि अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है। हमने मान लिया, अगर ये परिमेय है तो हम लिख सकते हैं दैट इज वी कैन राइट अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, जहां पर ए बी को प्राइम, को प्राइम मतलब परस्पर सह अभाज्य। और बी नहीं बराबर है जीरो के, हम लोग ये मानकर यहां पर चलते हैं। तो अतः अगर हमने माना कि अंडर रूट 2 परिमेय है तो हम क्या करेंगे, अब अंडर रूट 2 बराबर है ए बटा बी, राइट, बी को इधर ले आएंगे, बी अंडर रूट 2 बराबर है ए। अब इसी तरह से दोनों तरफ वर्क करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्या करना आपने, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर।
हमारे पास क्या आ जाएगा, 2b² बराबर है a². अब अतः अगर ये इस तरह है तो क्या हो जाएगा कि ये जो 2 है ये a² को विभाजित करता है, 2 जो है आपका 2a² को विभाजित करता है। मीन्स 2 डिवाइड्स ए स्क्वेयर। थ्योरम में पढ़ा कि यदि कोई संख्या दूसरी संख्या के वर्ग को भाग करती है तो उस संख्या को भी भाग करेगी। अतः देयर फोर 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो, अतः 2 ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा, राइट। अतः अब हम क्या लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं वी कैन राइट, अब हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट ए इज इक्वल टू 2c, ए को ही जगह हम क्या लिख सकते हैं 2c। तो अब हम क्या करेंगे, ए का जो मान है, ए का मान जो हमने पहले किया था कहाँ पर, ए का मान 2b² बराबर है a² में भरने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन 2b² इज इक्वल टू a² वी गेट, हमें प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त होता है यदि हम इस मान को भर दें, 2b² बराबर है a², 2b² बराबर है a² की जगह आ जाएगा 2c², 2b² बराबर है 4c², इसी तरह से 2b² बराबर है, सॉरी, b² हमारे पास आ जाएगा, b² बराबर है 4c² बटे 2, कट गया 2, तो b² बराबर है 2c², b² बराबर है हमारे पास क्या आ गया, हम यहाँ देखते हैं कि जैसे अभी हमारे पास आया 2b² बराबर है a², फिर आ गया 2b² बराबर है 2c², जब a का मान भर दिया 2b² बराबर है 4c², b² बराबर है 4c² बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, b² बराबर है 2c², इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स अर्थात अर्थात जो हमारा 2 है b² को भाग करता है, जैसा कि ऊपर वाली प्रमेय से 2 डिवाइड्स b², अगर 2 b² को भाग करता है अतः देयर फोर 2 b को भी भाग करता है, दैट इज 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब 2 जो है पहले a को विभाजित कर रहा था, 2 b को भी विभाजित कर रहा था, इसका अर्थ ये हुआ कि a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ यानी कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, मींस 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने शुरू में क्या माना था कि ए और बी जो हैं परस्पर सहभाजी, जिनके बीच में कोई भी जो है कॉमन गुणनखंड नहीं है, तो यहां पर एक विरोधाभास हो गया, परंतु यहां पर
विरोधाभास उत्पन्न होता है कि ए और बी परस्पर सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया। और इन इंग्लिश वी से दैट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर कोप्राइम। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन राइज हुई है, क्यों राइज हुई है? क्योंकि हमने गलत सपोज किया था शुरू में, जो हमारी सपोजिशन थी, जो हमने माना था कि ए अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है, ये उसके कारण जो है हमारी जो है ये कॉन्ट्राडिक्शन या विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं अब लास्ट में देयरफोर अंडर रूट टू इज इरेशनल नंबर। अतः अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। राइट अब इसी प्रकार से हम एक और एग्जांपल लेंगे, सेकंड एग्जांपल भी हम लोग लेंगे, आपको उससे और क्लियरली समझ आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल इज प्रूव दैट अंडर रूट थ्री इज इरेशनल। अब आपने सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि अंडर रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम वैसे ही कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का इस्तेमाल करके इसको भी सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं, मान लो अंडर रूट तीन एक परिमेय संख्या है, लेट अंडर रूट थ्री इज ए रैशनल नंबर, देयरफोर अतः अंडर रूट तीन बराबर है ए बटा बी, जहां पर ए बी को प्राइम सह अभाज्य, बी नहीं बराबर है जीरो के। राइट तो यहां से अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, b अंडर रूट थ्री इज इक्वल्स टू a, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, b अंडर रूट तीन का वर्ग बराबर है a का वर्ग, तो ये आ जाएगा हमारे पास तीन बी स्क्वेयर बराबर है ए स्क्वेयर। इसका अर्थ क्या हुआ, इट मींस थ्री डिवाइड्स ए स्क्वेयर, सो थ्री डिवाइड्स ए। इसका मतलब हुआ थ्री डिवाइड्स ए स्क्वेयर, सो थ्री डिवाइड्स ए, अर्थात तीन ए स्क्वेयर को विभाजित करता है, अतः तीन ए को भी विभाजित करेगा।
राइट। हम इसको देते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका मतलब है देयर फोर ए इज इक्वल टू थ्री सी। अब हम क्या कह सकते हैं, वी कैन राइट ए इज इक्वल टू थ्री सी। हम कह सकते हैं कि ए में भरेंगे, राइट, ए बराबर है तीन सी को समीकरण, ए बराबर है तीन सी को हम लोग कहाँ भरेंगे, समीकरण एक में भरने पर। समीकरण एक में भरने पर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू थ्री सी इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या थी हमारी, थ्री बी स्क्वेयर बराबर है ए स्क्वेयर। सो थ्री बी स्क्वेयर बराबर है थ्री सी का होल स्क्वेयर। सो वी गेट थ्री बी स्क्वेयर बराबर है नौ सी स्क्वेयर। हमें प्राप्त हो रहा है तीन बी स्क्वेयर बराबर है नौ सी स्क्वेयर। अगर इसको हल करें, बी स्क्वेयर बराबर है नौ सी स्क्वेयर बटे तीन, तीन एकम तीन, तीन तीन नौ, यानी हमारे पास आ गया बी स्क्वेयर बराबर है तीन सी स्क्वेयर। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, हमारे पास आ गया कि तीन बी स्क्वेयर जो है, बी स्क्वेयर किसके बराबर आ गया हमारे पास, तीन सी स्क्वेयर के, राइट। अब हम क्या करेंगे, बी स्क्वेयर बराबर है हमारे पास थ्री सी स्क्वेयर आ गया। अब यहां से हमारे पास क्या आता है कि इट मींस थ्री डिवाइड्स बी स्क्वेयर सो बी आल्सो। इसका मतलब क्या हुआ कि तीन बी स्क्वेयर को तथा बी को भी विभाजित करता है। कि तीन अब जो है ए स्क्वेयर ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थात देयरफोर थ्री इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। अर्थात जो है तीन ए तथा बी का सार्व गुणनखंड है, सार्व गुणनखंड है। अर्थात तीन जो है आपका ए तथा बी का सार्व गुणनखंड है। अब यहां से हम लोग ये, अब अगर तीन ए और बी दोनों का सार्व गुणनखंड है, लेकिन हम शुरू में कह रहे थे कि जो आपका तीन ए और बी हैं ये परस्पर सहभाज्य, इनके बीच में कोई भी जो है गुणनखंड नहीं है, सार गुणन यानी कॉमन फैक्टर नहीं है। यहां से क्या होगा, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होता है कि ए और बी सह अभाज्य हैं, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड B R को प्राइम। ठीक है, समझ रहे हैं बच्चे आप, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अफेक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारी कल्पना गलत थी। देयरफोर या आप लिख सकते हैं यहां पर, यह
त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ. दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ रॉन्ग अजम्पशन. अजम्पशन अतः अंडररूट 3 एक अपरिमेय संख्या है. राइट, देयरफॉर अंडररूट 3 इज इरेशनल. तो ये हमारा प्रूव हो गया.